पाची को पूरा कैफे रेसर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ए, मेरी बाइक सिटी में चलाते वक्त कौन कौन सा इशू देती है। अचानक से कैमरा ऑफ हो गया था और हमको पता भी नहीं चला था। अभी हैंडल मिरर्स हटा दिए हैं और उसके बाद से बाइक के हैंडल काफी छोटी लग रही है। और Hey guys, welcome to my another vlog. आप लोग को पता ही है जैसे अभी जा रहे कॉलेज, तो कल का व्लॉग आदर्श शूट हो ही रहा था और उसके बाद अचानक से कैमरा ऑफ हो गया था और हमको पता भी नहीं चला था। हम कॉलेज तक नॉर्मली व्लॉग ही कर रहे थे और हमको पता ही नहीं था कि कैमरा ऑन नहीं है। तो फिर कॉलेज जाके देखे तो फोन में क्लिप था ही नहीं, उसके बाद हम व्लॉग ही नहीं किए। तो ये सही है कि आज खुला हुआ है क्रॉसिंग, वरना यार कल भी हमको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा था और यहीं से हम वापस यू टर्न ले लिए थे और हम उस क्रॉसिंग पे चले गए थे और यहीं से शायद कैमरा बंद हो गया था। तो अभी हैंडल मिरर्स हटा दिए हैं और उसके बाद से बाइक के हैंडल काफ़ी छोटी लग रही है और उसका जो होल्डर था वो अंदर से क्रैक हो गया था, इसीलिए वो लूज़ हो गया था। तो जब उसको हम खोल के चेक किए तब वहाँ पे देखे कि अंदर का जो होल्डर रहता है जिसे ग्रिप रहता है मिरर का हैंडल के साथ, वही क्रैक हो गया था। वही रीज़न से था कि मेरा मिरर लूज़ हो गया था। सोचे कि अभी लगा के कोई फ़ायदा है नहीं तो हटा दिए, और हटाने के बाद हैंडल काफ़ी कॉम्पैक्ट सा फील आ रहा है। तो अगर ट्रैफिक में कहीं थोड़ा सा गैप मिलता है तो भी हम बाइक को नहीं निकाल पाते हैं क्योंकि इसका हैंडल इतना ब्रॉड है तो गैप में एडजस्ट ही नहीं होता है वहाँ पे। बट अभी इतना इजीली से कहीं से भी निकल जा रहा है, लग ही नहीं रहा है कि मेरी बाइक चला रहा है, ऐसा हैंडलिंग हो गया बाइक का। नया होल्डर ले लेंगे और फिर हम हैंडल मिरर का लगवा देंगे वापस। होप करते कि मैं एनओसी आज लाए हूँ क्योंकि हम चेक नहीं किए बैग में एनओसी रखे थे या नहीं। तो पहुँच चुके हैं अपने कॉलेज और आज हम जल्दी निकल गए थे क्योंकि आजकल हम रोज ही लेट हो रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हो अपाची को पूरा कैफे रेसर में कन्वर्ट कर दिया गया है। काफी सही लग रही है बाइक देखने में। पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई अपाची को ऐसे कन्वर्ट कर दिया है रेसर में। तो अपने कैंपस पे एंटर कर चुके हैं। बाइक पे आगे वाइजर लगा दिया तो काफ़ी सही आ रहा है लुक बाइक का। लगता नहीं है कि अभी तक बेल बजा है, तो क्लास स्टार्ट हो जाए उससे पहले पहुंच जाते। We'll be right back.
सो अभी यहाँ से निकालते हैं बाइक को, चलते हैं सीधा घर। अभी पहुंच चुके हैं सिरमटोली चौक के पास और अभी टाइम रिमेनिंग दिखा रहा है 10 सेकंड। यहाँ पर सिग्नल खुल चुका है, तो अभी मिरर्स निकाल दिए हैं। तो जैसे सुबह हम बताए थे, अभी इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट और लाइट फील हो रही है बाइक। अभी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई स्कूटी चला रहे हैं। तो हम बता देते हैं मेरी बाइक सिटी में चलाते वक्त कौन कौन सा इशू देती है। पहला है इसका हैंडल। तो इसका हैंडल आप लोग पता ही होगा, ब्रॉड हैंडल है। जब ट्रैफिक जैम अगर लगा रहता है तो हम लोग को ज़्यादा बड़ा गैप चाहिए रहता है कम्पेयर टू अदर बाइक, जो क्रॉस कर सके या उससे आगे निकल सके जैम में। और दूसरा है हीटिंग इशू। अगर बाइक को BS4 से कंपेयर करें तो उससे बहुत कम हीटिंग इशू इसमें आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि उसमें जो एग्जॉस्ट पाइप है वो इंजन के अंदर से होते हुए नीचे कनेक्ट होता था। और उसमें वही था कि बाइक का जब रेडिएटर फैन ऑन हो जाता था तब जो राइडर बाइक को राइड करता था उसका लेफ्ट साइड में काफी ज्यादा हीट फेंकता था बाइक का इंजन, उससे काफी ज्यादा इरिटेशन होता था। बट वो इसमें नहीं होता है क्योंकि BS6 में कंपनी उसी को ध्यान में रख के बेंड पाइप को नीचे से ज्वाइंट कर दिया और उधर से ही एग्जॉस्ट पाइप से कनेक्ट हो जाता है। तो हीटिंग इशू है सिटी में, बट अगर BS4 से कंपेयर करें तो बहुत कम है। और थर्ड है ग्राउंड क्लियरेंस। तो इंडिया में आपको पता ही है कि हर जगह आपको स्पीड ब्रेकर्स मिल ही जाएंगे हर गली में, तो इसमें वही बेंड पाइप के चलते BS6 में ग्राउंड क्लियरेंस का दिक्कत होता है। BS4 में ये प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें फिर हीटिंग इशू का प्रॉब्लम आ जाता है। तो यही होता है कि जब आप सोलो राइड कर रहे हो तब आप लोगों को उतना इशू नहीं होगा, बट अगर आप पिलियन के साथ हो तो बाइक मोस्टली टच हो ही जाती है छोटे छोटे ब्रेकर्स पे भी। तो अभी आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा क्राउड था वहाँ पे। हम प्रेफर नहीं करते हैं ये वाला क्रॉसिंग आने, सुबह में आते हैं क्योंकि सुबह में उतना ज्यादा ट्रेन रहता नहीं है, तो कम ही चांसेस रहता है कि यहाँ पे जैम लगेगा। और ऐसे टाइम पे आने पे इससे ज्यादा ही क्राउड मिलता है। अभी तो हम आप लोगों को बता रहे थे कि ग्राउंड क्लियरेंस BS4 में प्रॉब्लम नहीं करता है, बट BS6 में ग्राउंड क्लियरेंस कम हो गया क्योंकि बेंड पाइप उसका नीचे से जॉइंट कर दिया एग्जॉस्ट पे। इस बाइक का ब्रेकिंग काफी सही है, बट ये वाला कैसे ड्राइव कर रहा है वो नहीं पता रहता है। तो कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ कि हम तो ब्रेक मार लेते हैं टाइमली, बट पीछे से कोई ना कोई आके टच कर देता है बाइक पे। इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना अच्छा है, हल्का सा भी थ्रॉटल देने पे काफी जोर से पुल करती है। तो सिटी में पावर लैग आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा इस बाइक में। तो यही कुछ था मेरा पॉइंट्स जो इशू आता है इस बाइक को सिटी में राइड करते वक्त। तो होप करते हैं आपको ये सब पॉइंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे वीडियो जल्दी आएगा, बस उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो देखते हैं जितना जल्दी हो सके हम वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। सो आ चुके हैं अपने गली पे वापस, तो आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।